खुदाई प्रीत जुग दे स्वामी तन तन गुरु नानक पातशाह जी नूं याद करदे आं। आओ गुरु फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपां गुरदेव जी जिंदगी दी गाथा समझन दा नमाणा जिहा जतन कर रहे हाँ। उन्हां दी जिंदगी दी हर गाथा बड़ी विचित्र है। मेरे गुरदेव दी जिंदगी दी गाथा ते कदम कदम ते उत्ते जलवागर हुंदी है, रूपमान हुंदी है, प्रतख हुंदी है। साखी च लिखिया मिलदा है कि गुरु नानक सच्चे पातशाह पानीपत दे स्थान ते जांदे ने। एक टिकाणा देख के खूह दे नेड़े करके गुरु नानक जी बैठ जांदे ने। इस खूह दे उत्ते एक किसी पीर दा मरीद जिहदा नाम है शेख ताहर, ये पानी लैण वास्ते आउंदा है। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह खुदाई मौज दे विच अलाही ज्ञान नूं गायन करके रस लैण दी अवस्था विच लगे हुए ने। करते दी कीर्ति जारी है। ये पानी लैण वास्ते आया होया सज्जन, क्योंकि खुदाई पै, खुदाई पाओ, खुदाई बंदगी, ये सारिया गुणों का वारस है। इसलिए इन कित भी खुदा की गल करता कोई व्यक्ति दिखाई देता, ये अंदर वह अदब, वह सत्कार, मलो जोरी अपने आप फुट पैंदा। धर्म की दुनिया का एक बड़ा वड्डा असूल है। जदों कभी रब दे रंग रतियां नूं दूजा रंग रतिया मिलता है तो उहदे अंदर उहदी कदर करनी, उहनूं माण देना, उहनूं सत्कार देण दी भावना सुतई जिहड़ी है ना अपने आप ही पैदा हो जाती है। इहदा सिख ताहर पानी लैण वास्ते आया सी। इहदे मन विच आया ये खुदा दे बंदे बैठे ने, इन्हां नूं मैं दुआ सलाम करा, इन्हां दा आदर सत्कार करा, ये अगे वधदा है। अगे वध के इन्हें अपनी मजहब की शरा मर्यादा के मुताबक वालेकुम सलाम की गल की। तन गुरु नानक जी ने इन बोलों सुनिया, अपनी मुबारक निगाह इस खुदाई बंदे दे चेहरे ते गड़ दिती। तेरे बोलों सुन तो बाद गुरुदेव जी ने इन्हां शब्दों का उत्तर जिहड़ा अपने पावन पुत्र शब्दों में दिता है। गुरुदेव जी ने आलेख को सलाम कह दिता है। ये जिहड़ा पीर दा सेवक है ये उत्तर सुन के बड़ा अचंभत है। इस्लाम की शरह विच मेरे बोलों का उत्तर तो यह नहीं है। अपने आपे अंदर एक सोच लगता है। साखी के करते ने लिखे है
ये धन गुरु नानक जी दे मस्तक नूं पढ़दा देखदा दग दगाउंदा होया वरसदा होया नूर बहुत प्रभावशाली देख मेरे गुरु नानक जी दे इहदे दिल ते दिमाग उत्ते बहुत वड्डा असर करदी। ये पानी लै के छेती छेती अपने मुर्शद दे कोल आउंदा है जिहदा नाम शेख सरफ करके इतिहास विच लिखिया होया मिलदा है। ये गद्दी चल रही है लंबे समय तो, जिहड़ा भी अगे नवा गद्दीदार बनदा है उहदा नाम भी यही प्रचलित हो जाता है। ये जदों अज पानी लेके गया ते पानी दा बर्तन थां से रखन तो बाद अपने मुर्शद नूं अपने पीर नूं कहिंदा पीर जी मैं पानी लैण वास्ते गया सी उस पानी दे सोमे खूह दे लागे दुखदाई बंदे बैठे मिले ने। वो अल्लाह ताला दे कीर्ति कर रहे सन जिहड़ा कलाम पढ़दे सन मैनूं समझ तो नहीं आया पर जो पढ़ रहे सन वह मन नूं खिच पाउंदा सी। मैं उहनां नूं अगे वध के सलाम कीते उहनां ने मेरे सलाम नूं स्वीकार नहीं किया। जो उत्तर अपनी मजहब की मर्यादा मुताबक देना बनता सी उन्हें वह ना दे के मैनू यह उत्तर दिता पुछ लिया उस पीर ने की किया उस कह लगे उन्होंने मेरे सलाम के अखर सुनिया मेरे वाले पासे देखिया ते देख के कहा आलेख को सलाम इहदा पीर सी हिल गया। कहने लगे बालके उन्होंने तेरे सलाम का उत्तर कबूल बहुत वधिया दिता है वो कोई पुजी हुई शख्सियत है वो आम साधारण व्यक्ति नहीं है चल छेती कर आप जाके उन्हां दा दीदार पाईए उन्हां नाल मुलाकात करिए वो कोई खुदाई पैगाम वंडन वाली शख्सियत दिखाई दे रही है। ये पीर अपने मरीद नाल लेके शेख शरफ अपने मरीद शेख ताहर नाल लेके उत्थे आ गए जिथे तन 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 गुरु नानक पातशाह जी शोभनीक ने धरती नूं पाग ला रहे ने करते दी कीर्ति कर रहे ने। हुण एक पासे गुरु नानक पातशाह जी दूजे पासे शेख शरफ जी आपस विच इत गुफ्तगू होई है। गुफ्तगू दा भाव है विचार चर्चा गलबात जिवें असीं वी करदे इक दूजे नूं मिलदे हाँ ते आपां वी गलबात करके सांझा पाउंदे विचारां दी सांझ करदे हां। पर इत्थे अज जिहड़ी गुफ्तगू हो रही है दो खुदा दे मार्ग दे पांधियां विच हो रही है खुदाई रंग रतियां रूहां विच हो रही है जिस लई गुरु नानक जी सुल्तानपुर लोधी की धरती तो संसार की धरती नूं सोधण लई निकलदे ने ते गुरु नानक जी वख वख इहो जिहा व्यक्तियां दी वी भाल कर रहे ने जिहड़े खुदा दे रंग विच रते होए ने। ये शेख शरफ ने गुरु नानक जी दे नाल बहुत सारे सवाल कीते मेरे गुरु नानक जी ने हर सवाल का जवाब इन्हां नूं बहुत अदब नाल बड़े रब्बी प्यार दी बख्शिश नाल दिता इन्हां नूं समझाया
कि सिर नूं मनाउण दी लोड़ नहीं, मन नूं मनण दी लोड़ है। असीं खुदा दी रजा विच जिंदगी जीणी है, केसां नूं कटा लैणा यह कोई दरवेशी का लक्षण नहीं। दरवेश बनन वास्ते मन नू मनन दी लोड़ है, अपने विचारां नू छड्डन दी लोड़ है, अपनी मैं नू छड्डन दी लोड़ है। इत इन्होंने खुदाई रमजा, खुदाई गुणा, खुदाई खूबियां दी गल गुरु नानक जी ने जदों कीती है शेख शरफ जी दे नाल, शेख शरफ जी बहुत प्रभावित हुए ने, गुरु नानक जी तो बहुत प्रभावित हुए ने। इन्नी कु तसली हुई गुरु नानक दी विचारधारा नूं, इन्हां ने अज पहली बार इस तरह की ज्ञान चर्चा विचों अपने आपे लई कोई खास गुणां नूं लभिया। गुरु नानक जी ने इन्हां नूं इत्थे वरसाया, शेख शरफ जी नूं, शेख ताहर जी नूं। ये तारन तो बाद गुरु नानक जी हुण पानीपत की धरती तो अगे नूं चलणगे। ये अगली साखी विच आपां देखांगे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी अगे कित्थे जा रहे ने। आओ इत्थे इन्नियां क बेनतियां आप जी ने सारे ने प्रवान कर लैणियां, भुल्लां माफ़ कर देनियां। अदब नाल फतेह बुला दिओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।